हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पर स्वागत करते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और सारे वीडियोज़ के लिंक आपको दे दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। और टेलीग्राम ग्रुप पे एक हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र हैं शरद सर, और जो जीएस पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान में उनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया। बहुत ही जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के सामने आएंगे। तो उनका एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, स्पेशल जीएस क्लासेस बाय शरद सर। तो उस ग्रुप में जाके आपको सारे लिंक और सारे पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे। और हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ कंटेंट गिन चुन के निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ें छूट गई हैं उनके वीडियोज में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कंटेंट, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। उन सभी क्वेश्चंस के लिए हम लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें, ताकि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो हम उसके टाइप का क्वेश्चन पढ़े हुए रहें पहले से। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूं। गारंटी क्या है? एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूं कि आप जितना भी कंटेंट यहाँ पे चैनल पे मिलेगा, आपको सारा सिलेक्टेड कंटेंट है। बस ईमानदारी के साथ आप रिविजन करते रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो नंबर सिस्टम में अभी हमने देखा टेट सीटेट के प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो बच्चे टेट और सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या इवन कोई वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक टॉपिक है भाजकों की संख्या से रिलेटेड, भाजकों का योगफल और भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना। बाकी इसके पहले भाजकों की संख्या निकालना, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना, सम भाजक और विषम भाजक हम लोगों ने पढ़ा है और उसके वीडियोज हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे देखेंगे नंबर सिस्टम के। आइए हम लोग देखते हैं, टॉपिक है भाजकों का योगफल ज्ञात करना। नंबर सिस्टम में जितना कुछ भी छूटा है सारी चीज मैं कोशिश करूंगा कि एक भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए। तो एक टॉपिक है भाजकों का योगफल ज्ञात करना। भाजकों का योगफल ज्ञात करना, जैसे अगर छोटे नंबर्स आते हैं, जैसे मैं मानूं संख्या 12 के भाजकों का योगफल, संख्या 12 के भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 के भाजक क्या क्या होंगे? एक हो जाएगा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, छह हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो संख्या 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अगर भाजकों की संख्या पूछी जाएगी तो छः हो गया। अगर भाजकों की संख्या पूछते हैं तो छह आ गया। अगर भाजकों का योगफल पूछेंगे तो कितना होगा? भाजकों का योगफल मतलब इन्हीं सबको टोटल करेंगे, 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28, ये हो गया। अगर हमसे पूछा जाए संख्या 100 के भाजकों की संख्या और योगफल ज्ञात कीजिए, ये जनरल तरीका है। अगर कोई छोटा नंबर है तो हम डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे। मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या आ गई, तो फिर वहां पे किसी दूसरे तरीके की जरूरत हम लोगों को होगी, हम लोग वो तरीका भी सीखते हैं। जैसे संख्या 100 आ जाए, संख्या 100 के भाजकों की संख्या, तो भाजक का मतलब किन किन संख्याओं से ये संख्या पूर्णतया विभाजित होती है? तो एक से विभाजित हो जाएगी, दो से हो जाएगी, चार से विभाजित हो जाएगी, पांच से विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, 20 से विभाजित हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी, 50 से विभाजित हो जाएगी और 100 से। अगर इनकी संख्या पूछेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भाजकों की संख्या कितनी आ गई? भाजकों की संख्या की बात करेंगे तो 9। अगर भाजकों का योगफल पूछ रहे हैं तो इन्हीं संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो योगफल कितना हो जाएगा? 100 और 50 मिलके 150, 175, 195, 195 और 10 जोड़ेंगे 205, 205 के बाद 210, 214, 216 और एक 217। ये एक तरीका है, अगर नंबर छोटा है तो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन जैसे पूछ लिया जाए 1024 के भाजकों का योगफल, फिर थोड़ा सा समस्या आएगी, फिर थोड़ा सी मुश्किल होगी, क्योंकि अब की बार का नंबर बड़ा है तो आपको टाइम ज्यादा रहेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा कि कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हो सकता है थोड़ा सा देखने में लगे कि आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइप में लगेगा। जो भी नंबर दिखा रहेगा, जो भी नंबर लिखा रहेगा, सबसे पहला काम उसको घात के रूप में लिखेंगे। ए की पावर के वन इंटू में बी की पावर के टू इंटू में सी की पावर के थ्री डैश डैश। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखेंगे, जहां पर ए बी और सी, ए बी सी कैसा होना चाहिए आपका? ए बी सी हमारा अभाज्य होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग पता करें भाजकों की संख्या का क्या फॉर्मूला होगा, तो भाजकों की संख्या का फॉर्मूला होता है जो भी संख्याएं, जो भी संख्या दी गई है उनके घात, पहली संख्या पे घात k1 है तो k1 में एक प्लस करेंगे, इंटू k2 में भी एक प्लस करेंगे और इंटू k3 प्लस 1। तो ये तरीका था भाजकों की संख्या निकालने का। अगर इसी में हमको निकालना है भाजकों का योगफल,
भाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा बड़ा टाइप के, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इजी लगता है। ए की पावर के वन प्लस वन माइनस में वन करेंगे अपॉन में ए माइनस वन इंटू में बी की पावर के टू प्लस वन। बी का मतलब दूसरी संख्या और के टू का मतलब दूसरी संख्या की घात, उसमें एक जोड़ेंगे पूरे में एक माइनस करेंगे अपॉन में बी माइनस वन इंटू इंटू में क्या हो जाएगा सी की पावर के थ्री प्लस वन अपॉन में सी माइनस वन। इस तरह का ये फॉर्मूला है कुछ। आइए हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि और उस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था संख्या 12 के भाजकों का योगफल, तो आंसर हमारा 28 आया था। अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला इसलिए है कि अगर 100 से ज्यादा बड़ी संख्याएं आती हैं, तो क्योंकि 100 से ज्यादा बड़ी संख्याओं में हो सकता है कोई आपका भाजक छूट जाए तो आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन आप इस फॉर्मूले को सीख लेंगे, इस शॉर्टकट को सीख लेंगे, तो आपका आंसर बहुत एक्यूरेट और करेक्ट आएगा। आइए हम लोग देखते हैं, जो भी नंबर जैसे 12 के भाजकों का पता करना, तो 12 को सबसे पहले घात के रूप में लिखेंगे, तो 4 तीन 12, तो 2 की घात 2 और 3 की घात, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे a और b कैसा होना चाहिए, a और b अभाज्य होना चाहिए, तो 2 और 3 अभाज्य है। अगर भाजकों की संख्या निकालने की बात होती तो 2 पे 1 प्लस करते 3, 1 में 1 प्लस करते 2, तो भाजकों की संख्या 6 आ रही थी, फॉर्मूले से भी 6 आई है। ठीक है, हम लोगों को क्या सीखना है? भाजकों का योगफल निकालना। तो भाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, a की पावर k1 प्लस 1, a का मतलब 2 है, k1 प्लस 1 पहली संख्या पे घात 2 है, 1 प्लस करेंगे तो 3 माइनस में 1 अपॉन में a माइनस 1 ये हो जाएगा, इनटू b की पावर k2 प्लस 1, b का मतलब 3 की पावर 2, 1 प्लस करेंगे पूरे में 1 माइनस करेंगे अपॉन में 3 माइनस 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 की घात 3 8, 1 माइनस करेंगे 7 अपॉन में 1 आएगा, 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9, 1 माइनस करेंगे 8 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 2 चौको 8, 7 चौक कितना आ गया 28। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या, वैसे ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आती, लेकिन फिर भी 500 के ऊपर 1000 तक की संख्याएं आती हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, संख्या 100 के भाजकों का योगफल। हम लोगों ने जनरल तरीका लगाया हुआ है, संख्या 100 के भाजकों का योगफल 217 आता है, हम लोग उसको फॉर्मूले से चेक करते हैं क्या वास्तव में आएगा कि नहीं आएगा। तो एन की जगह पे हमारा 100 है, 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 25 चौको 100, तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब हमें क्या निकालना है, भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, a की पावर k1 प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में a माइनस 1 इंटू b की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1, और ये फॉर्मूला डैश डैश है, अगर जरूरत पड़ती है तो c की पावर k3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में c माइनस 1। अब a का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे a b c कैसा होना चाहिए, अभाज्य है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग आधार और घात की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, जो भी आपने आधार और घात में लिखा, जो नीचे वाली संख्या है ABC कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद योगफल का फॉर्मूला ये है, तो a की पावर k1, k1 का मतलब पहली संख्या पे घात 2 है, 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू b की पावर, b का मतलब 5 है, k2 प्लस 1, k2 का मतलब दूसरी संख्या पे घात, 1 प्लस करेंगे 3 आ गया, माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 हमारा कितना आ जाएगा, अगर 2 की पावर 3 की बात करेंगे तो 8, 8 में 1 गया 7, ठीक है, और अपॉन में 1 आ जाएगा, 5 की पावर 3, 5 की घात 3 का मतलब 125, 1 माइनस करेंगे 124 और बटे में 4, 4 से काट लेंगे इसको, 4 3 12 और 1, तो हमारा आंसर 717 और 7 3 21। तो भाजकों का योगफल कितना आ गया 217, 1 से 100 तक के भाजक, मतलब संख्या 100 के भाजकों का योगफल 217। अब आपसे कोई भी संख्या पूछी जाती, जैसे एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, संख्या 1024 के भाजकों का योगफल निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और हम लोगों के भाजकों के गुणनफल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।